अब हम नाभि को चेक करना सीखेंगे। नाभि को चेक करके हम सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बीमारी जब होती है और यदि नाभि डिगी होती है तो बहुत समय लग जाता है अपनी डिजीज़ को ठीक करने के लिए। इसीलिए यदि बुखार भी है शरीर में तो नाभि को चेक करना चाहिए, और नाभि डिगी हुई है अपने स्थान से तो उसे सेंटर में लाने के लिए हम एक अभ्यास करवाते हैं उठक बैठक का, और 5 आसन आपको नाभि के लिए करवाएंगे। तो चेक कैसे किया जाता है नाभि को, ये हमें सबको आना चाहिए। एक दोनों हाथों को मिलाकर, ये हमारी हृदय रेखा है और ये हमारा एक लाइन है यहाँ पर हथेली में, और छोटे वाली उंगली की 3 लाइनें, इन 5 लाइनों को मिलाकर हम चेक कर सकते हैं हमारी नाभि सेंटर में है या डिगी हुई है। जब हम ऐसे लाइनों को मिला लेते हैं पाँचों को, तो इन 5 को मिलाने से हमारी जो छोटे वाली फिंगर है, लिटिल फिंगर, ये इक्वल आनी चाहिए। यदि ये इक्वल आ रही है छोटे वाली उंगली 5 लाइनों को मिलाकर, तो हमारी नाभि सेंटर में है। कभी कभी ये छोटी बड़ी आती है लाइनों को मिलाने से, ऐसे छोटी बड़ी हो जाती है, तो इसका अर्थ होता है नाभि डिगी हुई है। तो उसको हम सेंटर में करने के लिए 5 अभ्यास करते हैं, एक उठक बैठक तो उससे चेक कर सकते हैं। और एक भाइयों के लिए होता है ये अभ्यास, पुरुषों के लिए लेट कर नाभि पर धागा रखते हैं और एक तरफ चेस्ट पर, फिर दूसरी तरफ चेस्ट पर, ऐसे नापने पर धागा बराबर आता है तो नाभि ठीक होती है, और छोटा बड़ा धागा आता है तो फिर इसका अर्थ होता है नाभि डिगी हुई है। तीसरा तरीका होता है सभी के लिए, सीधा लेट जाते हैं, ऐसे पोजीशन बनाते हैं उंगलियों की, अपनी नाभि पर रखते हैं, नाभि पर रखकर प्रेस करते हैं अंदर की ओर, तो हमें नाभि की धड़कन सुनाई देती है, महसूस होती है, कंपन होता है, तो इसका अर्थ होता है नाभि ठीक है। यदि यहाँ नहीं सुनाई दी तो ऊपर रखते हैं। जिनको नाभि की धड़कन ऊपर सुनाई देती है तो उसका अर्थ होता है कॉन्स्टिपेशन है। यहाँ नहीं सुनाई देते हैं, नीचे रखते हैं, नीचे होता है नाभि के, तो उसका अर्थ होता है लूज मोशन। और जिसको चारों तरफ होता है नाभि की धड़कन, तो उसका अर्थ होता है जो पेट है हमारा वो बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ख़राब रहता है पेट। तो इन सब के लिए हम 5 आसनों का अभ्यास करते हैं और एक खड़े होकर उठक बैठक करते हैं।